एवरीवन, वेलकम टू डेलिश फूड। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक कम पाइनएप्पल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगी और आप जरूर ट्राई करेंगे। और पता है, मेन स्पेशलिटी इस केक की ये है कि इसमें ज्यादा फैट नहीं है, इसमें ज्यादा कॉर्न फ्लोर नहीं है। एक्चुअली ये मैंने सूजी और कर्ड से बनाया है। इसमें बहुत लो फैट्स है, बट केक के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको बनकर दिखेगा बिल्कुल यम केक एंड स्पॉन्जी ऑल्सो। तो देखिए, इस केक को बनाने से पहले मैंने इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी है। यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ इंग्रीडियंट्स रिलेटेड विथ इट। आप देख सकते हैं, ये मैंने लिए 1.5 कप सूजी, एक बाउल ये है और हाफ बाउल ये है। ये आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर, जो मेन हम केक में कॉर्नफ्लोर ही यूज करते हैं, बट मैंने इसका रेशियो अपोजिट कर दिया है। उसके बाद भी देखना आप कितना अच्छा केक बनेगा। तो हाफ बाउल कॉर्नफ्लोर, ग्राइंडेड शुगर 1 बाउल। इसको आप वेरी कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर और बढ़ा सकते हैं, बट इससे भी बहुत अच्छा बनेगा। एंड 1 बाउल कर्ड एंड हाफ, ये जो स्पून है एक्चुअली ये मेरा मेजरमेंट है, जो हमने बाउल्स लिए उसका बिल्कुल 1/4, ये 1/4 बाउल घी है। इसमें आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, बस उसमें स्मेल नहीं होना चाहिए, जिससे कि केक बनने के बाद हमें कुछ स्मेल आए। मतलब कई बार आ जाता है ना, खुशबू सी आने लगती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल प्लीज नहीं यूज करिएगा। और ये 1 स्पून बेकिंग पाउडर, जो उसको पफ देता है केक को, और 1/2 स्पून खाने वाला सोडा। ओके, ये ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल होते हैं, आपका मन है आप डाल सकते हैं, आपका मन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बट टूटी फ्रूटी तो बहुत इसको फ्लेवर अलग देती है, थोड़ा सा लुक भी देती है, तो टूटी फ्रूटी तो प्लीज आप पॉसिबल हो तो अरेंज करिएगा। तो इसमें टूटी फ्रूटी एंड किशमिश भी है, रेजिन्स एंड 200 ml ग्लास का, ये जो ग्लास है उसका मेजरमेंट है, और ये मिल्क है। ओके, अगर आपको वनीला फ्लेवर पसंद है वनीला एसेंस डाल सकते हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, बट मैं आज वनीला एसेंस और चॉकलेट फ्लेवर मिक्स बना रही हूं तो मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी। पहले हम ये केक रेडी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको अपनी चोको पाई वाली, उसमें जो उसका सिरप बनाया था चॉकलेट सिरप, उसी को मैं यूज करूंगी। तो आप उसके लिए मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा कि मैंने उसमें चॉकलेट सिरप कैसे बनाया था। ओके, तो सबसे पहले हम केक के पेस्ट को रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने 1 बिग बाउल लिया है। ओके, देखिए बिग बाउल ले लिया है, कर्ड जो मैंने इसमें 1 बाउल कर्ड लिया था वो सबसे पहले मैं इसमें कर्ड को पोर कर देती हूँ। उसके बाद ग्राइंडेड शुगर, ओके, इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, इसकी हेल्प से इसको यूनिफॉर्मली पूरा बॉल। अब हमने ये जो 1/4 कप घी लिया है, मैंने एक्चुअली देसी घी लिया है, आप ऑलिव ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, बस उसमें स्मेल ही होनी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सूजी, पहले मैंने 1/2 बाउल ट्रांसफर किया इसमें, और ऐसे इसको बस मिक्स करते रहेंगे। फिर ये 1/4 बाउल, धीरे धीरे हम इसको ऐसे मिलाते भी रहेंगे। अब देखते रहिए, इस पे मेरा कुछ वो नहीं है, बस मैं जस्ट इसको बस मिक्स कर रही हूँ यूनिफॉर्मली। बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्या बताऊं, बस बहुत अच्छा केक बनेगा, आप लोग बस इसे ही ट्राई करेंगे। और मेनली ये लो फैट है, इसमें कोई ज्यादा मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं लिया हुआ है, ज्यादा बटर नहीं लिया, कोई क्रीम नहीं है, बाहर से कोई कंडेंस मिल्क नहीं मंगाया, जो इजीली हमारे घर पर चीजें होती हैं उससे बना रहे हैं। अभी 1/2 बाउल कॉर्नफ्लोर, नाउ आई एम एडिंग दिस। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये बहुत थिक हो गया है, तो अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल लाने के लिए इसमें मिल्क ऐड करूंगी, और धीरे धीरे मुझे ये मिल्क ऐड करना है। पहले हमने इतना मिल्क लिया, अब इसको स्मूथली हम फिर से इस तरीके से करेंगे। देखिए अभी भी ये थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा ना, अब इसमें से फिर मैं धीरे धीरे, एक्चुअली मिल्क एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ये मैं इसको पोर करना है, और स्मूथली इसको इस तरीके से स्टर करते रहेंगे यूनिफॉर्मली।
फिर से थोड़ा सा मिल्क, अब मैं अपना मेरे को जो है ना, अब ये सूजी का एक्चुअली, तो इसको मुझे हाफ एन आवर के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाफ एन आवर के बाद हम इसमें टूटी फ्रूटी, सोडा है ना, बेकिंग पाउडर एंड एसेंस को ऐड करेंगे। तो अभी हाफ एन आवर के लिए हम इसको थोड़ा रेस्ट करवाते हैं। तो आज मैं ये वाला केक कढ़ाई में बनाऊंगी। कभी कभी हर किसी के घर पर अवन नहीं होता, गैस अवन भी नहीं होता। वैसे केक बहुत तरीके से बनते हैं। मैंने अपने लास्ट केक को गैस ओवन में बनाया था, बनाना केक जो मैंने, मेरे आप उसमें लिस्ट में देख सकते हैं। बट आज मैं कढ़ाई, ये थोड़ा बिग साइज की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर मोल्ड। एक्चुअली मेरे पास ये वाला मोल्ड है, तो ये बिग साइज का है, तो इसको रखने में इजीली, मेरे को बड़ी कढ़ाई चाहिए थी। अब आप सोचेंगे इस कढ़ाई में कैसे केक बन सकता है, तो हम पैसे फ्लेम को करेंगे। और ये सॉल्ट मैंने ये वन टाइम यूज किया हुआ है, जो खाने वाला नमक होता है हम उसको इसमें पोर कर देते हैं। और इसको इस तरीके से पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड करके इसको छोड़ते हैं। इसको प्री हीट करना है एक्चुअली, क्योंकि इस वाली कढ़ाई में केक बहुत अच्छा बनता है और यूनिफॉर्मली चारों तरफ से इसको हीट मिलती है। अगर आपके घर पे ओवन नहीं है तो आप इसमें बनाए, केक बहुत यम बनता है। अब इसको इस तरीके से, अब इसमें मैं बीच में स्टैंड रखती हूँ, इस तरीके से हमने इसमें स्टैंड यूज किया है। ओके, आप घर में आपके बड़ी कढ़ाई या बड़ी प्लेट होती है तो एक्चुअली इसको हमें कवर करना पड़ेगा। जब हम केक का इसमें टिन या जो भी आपके घर पर कंटेनर है, मोल्ड है, आप वो इसमें रखेंगे, तो उसको इस तरीके से कवर करना है कि हीट बाहर नहीं जा पाए। तो मैंने उसके लिए, मेरे घर पे बड़ी परात थी जिसमें हम आटा मलते हैं, उसको इस तरीके से रख दिया। और ये चारों तरफ इस तरीके से होना चाहिए कि इसमें हीट मतलब निकले नहीं। आप ऐसे हाथ लगा के देख सकते हैं कि यहां से कुछ गर्म बाहर तो नहीं निकल रहा, क्योंकि हीट पूरी केक को अंदर ही मिल रही है। तो मेरे लिए, मेरी कढ़ाई के अकॉर्डिंग ये परात बिल्कुल सही थी, तो मैंने इसको यूज कर लिया। आप लोग कोई थाली भी यूज कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में नमक डाल के इसको प्री हीट कर लेते हैं लगभग 15 मिनट्स तक, थोड़ा हाई फ्लेम पर। इसी बीच हम अपना पेस्ट को देखते हैं। हाफ एन आवर हो चुका है। देखिए, वन स्पून वनीला एसेंस एक्चुअली वो नहीं है एसेंशियल, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूं। अब इसमें वन स्पून बेकिंग पाउडर, ओके, हाफ स्पून खाने वाला सोडा एंड ये लेमन हाफ, इसको मैं इसी के ऊपर कर रही हूं, जो एक्शन होना होगा एक्चुअली सोडे के ऊपर ही, इसका एक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत पफी बनेगा क्योंकि इसके ऊपर ये अच्छे से ऐसे ग्रेट करता है लेमन के ऊपर। अब हम इस तरीके से फिर से एक बार यूनिफॉर्मली इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं। जब हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे, अगर आपके घर पे बेकिंग पाउडर नहीं है, खाने वाला सोडा भी नहीं है, तो इनो पाउच जो होता है, जो आपकी एसिडिटी में रिलैक्सेशन देता है, आप पूरा वो पाउच भी डाल सकते हैं, वो भी वही काम करेगा जो खाने वाला सोडा। और उसमें अगर लेमन डालने की भी नीड नहीं है, मैं अपने आगे केक में आपको वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। एक्चुअली ये मेरा सूजी का केक है, आगे मैं आपको बिस्किट्स का चॉकलेट केक भी बनाने वाली हूँ, तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो, आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि ना थिक है ना बिल्कुल डाइल्यूट है, यही वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि थिक होगा तो बहुत टाइम लेता है, और अगर थिक होता है तो बिल्कुल टाइट बनता है। ये वाली कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए एग्जैक्टली। अब ये लास्ट में टूटी फ्रूटी एंड रेजिंस किशमिश, मैं थोड़ी सी ये ऊपर डालूंगी एक्चुअली, इसलिए मैंने ये रोका हुआ है। जब मैं केक को मोल्ड में डालूंगी, ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स, अब इधर ये मैंने अपना मोल्ड रेडी किया है। बटर पेपर, मैंने इसको बटर पेपर को बिल्कुल इसी की शेप का, जैसे ये हार्ट शेप है, तो इसके तरीके से ऐसे रखकर इसको कट कर लिया पहले से, आप भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऑयलिंग कर रही हूं, इस तरीके से हम नीचे मोल्ड में घी लगा लेंगे, ऑयल घी कुछ भी जो भी आपको लगाना हो,
और फिर बटर पेपर हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से। बटर पेपर अगर आपके पास बाई चांस नहीं है तो आप इसी तरीके से घी लगाकर या ऑयल लगाकर इस पे कॉर्नफ्लोर को ड्राई डस्ट कर सकते हैं, उस वो भी वही काम करेगा। और अगर बटर पेपर है तो ये इजीली निकल जाता है, आपका केक स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है, तो इसलिए मैं बटर पेपर यूज करती हूँ कि हमारा केक ना लगता नहीं है एक्चुअली। इस तरीके से इसकी चारों तरफ हमने इस केक मोल्ड को ऑयलिंग कर लिया बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि ये लगेगा नहीं। अब मैं अपने इस पेस्ट को इसमें पोर कर रही हूँ, इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, देखिए आप भी यही कंसिस्टेंसी के साथ आप प्लीज ट्राई करिएगा। देखिए मैंने अपना ये पूरा इसमें पेस्ट डाल दिया और इसको थोड़ा ऐसे पैक कर देंगे जिससे ये यूनिफॉर्मली चारों तरफ स्प्रेड हो गया है। अब ये जो मैंने टूटी फ्रूटी रोकी हुई थी वो इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया जिससे थोड़ा ऊपर से भी अच्छा सा लगे। अभी देखिए हमने जो कढ़ाई में इसको रखा था, मैंने अभी आपको प्ली के लिए बोला था 15 मिनट से हो चुके हैं। अब इसको बहुत सेफली इस तरीके से किसी चीज की हेल्प से इसको अलग करना है और यहाँ स्टैंड है उसके ऊपर मुझे इस केक को रखना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे सेट कर रही हूँ और अभी शुरू में 10 मिनट्स के लिए मैं इसकी फ्लेम को थोड़ा हाई रहने दूंगी जिससे कि जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला है उसका एक्शन एकदम से एक्शन लेगा तो ये फूल जाएगा। उसके बाद 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद आप देखेंगे, मैं आपको भी बताऊंगी दिखाऊंगी कि केक अच्छे से फूल जाएगा। उसका डो जो है बिल्कुल, जो ये आपको दिख रहा है ना, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं कितना है, हाफ था, ये यहां तक आ जाएगा, इसका मतलब 1 इंच लेवल हाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए थोड़ा हाई फ्लेम पर अच्छे से इस तरीके से इसको ढक रही हूँ जिससे कि चारों तरफ से ही मतलब बाहर अंदर की ही बाहर नहीं आ पाए। बस आप ये ध्यान रखेंगे इसको यूनिफॉर्मली पूरी हीट मिलनी चाहिए चारों तरफ से। ओके, तो 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारे केक की कंसिस्टेंसी किस तरीके से। 10 मिनट हो गए हैं, मैंने आपको बोला था ना कि 10 मिनट्स पे हमको हाई फ्लेम पर रखना। देखिए ये कितना अच्छा सा थोड़ा सा फूल गया है। अब इसको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए रखते हैं और बीच में हम टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे कि ये पूरा हमारा अच्छे से सिकाए कि नहीं। ओके, 10 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, ये फूल गया है, मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर रही हूँ। ओके, इसको ढक देंगे फिर से। अब ये मैंने टूथपिक लिया है और इसे 15 मिनट्स हो गए हैं। उसके बाद मैंने टूथपिक साइड से ऐसे इस तरीके से हमें डालना है। देखिए इसमें कुछ भी चुपका नहीं है, मतलब कि केक हमारा रेडी है। इस तरीके से हम ये यहाँ पर हर जगह ना लगा लगा के देख लेंगे कि केक हमारा रेडी हो गया है कि नहीं। मिड में कर रही हूँ इस तरीके से, ये पूरा रेडी है। ओके, अब मैं अपना गैस फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर रही हूँ और अब हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा करेंगे और फिर दूसरे उसमें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम केक को ट्रांसफर करते हैं तो ये टूट सकता है। तो अब हम इसे ठंडा होने रख रहे हैं और आराम से आपको इसकी हेल्प से लेके निकालना है। बहुत आराम से करना है ये स्टेप आपको, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत गर्म हो रही होती है। इस तरीके से मैंने इस प्लेट में थोड़ा वाटर कर दिया है जिससे क्या है इजीली ये ठंडा हो जाएगा जल्दी। इस तरीके से इसको हम 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, फिर हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। उसका भी एक वे होता है, आप देख सकते हैं। इसको हमने इसको उल्टा करा, यहाँ रख दिया और इसको टैप कर दिया। ओके, देखिए इस तरीके से पूरा इजीली निकल गया और ये बटर पेपर की वजह से हमारा केक कहीं लगा भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी जला भी नहीं है। अब इसको इस तरीके से हम इसको रिमूव कर देते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, ओके, आप इसकी पफनेस को देख सकते हैं, मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा ये पफी बना है, इसको आप दबा के देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसी उस पर, एक्चुअली मैंने अपनी लास्ट वीडियो एक करी है उसमें शुगर सिरप, ये जो होता है ना, एक्चुअली ये चीनी को पानी में जस्ट 5 मिनट के लिए 1 चम्मच मतलब 1 स्पून शुगर क्रिस्टल्स को हमने वाटर में जस्ट बॉईल किया है। इसके पीछे ये है कि हम अगर इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे तो केक और स्मूथ
और थोड़ा सा जो हमारा ये शुगर है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। बस ओनली 1 स्पून इस तरीके से पूरा 1 मिनट के अंदर ही अभी एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए अच्छे से शुगर सिरप इसने एब्जॉर्ब कर लिया, आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको एक्चुअली हमें ट्रांसफर करना है एक्चुअली हर शेप। आप वैसे ये अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे इसको दोनों तरफ से थोड़ा सपोर्ट देके इस तरीके से इसको हम साइड में इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा हर शेप था। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं ये वनीला कम चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि घर पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मेंबर्स को किसी को वनीला पसंद है किसी को चॉकलेट, तो ये मैंने चॉकलेट सिरप रेडी किया है। ये मेरे चोको पाई वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से रेडी किया है, उसके लिए आप उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज ये केक ऐसे भी बहुत यम लगता है, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको हाफ चॉकलेट सिरप से टॉपिंग करूंगी। आप देखिए इस तरीके से हम इसका आधे पोर्शन में ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा क्या है, ये आधा तो चॉकलेट हो गया और आधा वनीला। तो ये है कि जिसको चॉकलेट पसंद है वो चॉकलेट खा सकता है, और अंदर से तो पता ही है आपको ये वनीला फ्लेवर है। बस इस तरीके से अब इसको छोड़ देते हैं, और ये टपकता हुआ भी अच्छा लगता है इस तरीके से हैंग होता हुआ। चारों तरफ से हम इस तरीके से, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो की तरफ की चारों तरफ से कैसा लग रहा है। देखिए इस तरीके से चारों तरफ से हम इसको ऐसे पूरा टैप कर देते हैं हाफ। ओके, तो अब हमारा ये हाफ तो हो गया चॉकलेट। अब नेक्स्ट स्टेप, देखिए मैंने ये 2 बिस्किट्स लिए हैं। कोई भी चॉकलेट फ्लेवर आपके पास जो भी हो, मैं आपको बाउंड नहीं कर रही एक्चुअली, मैं बस चॉकलेट इस तरीके से इसको आप पीसेस में कर लीजिए, ट्रायंगल या छोटा बड़ा कैसा भी यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, और पीसेस में कर लीजिए कहीं भी कुछ भी। कहीं कहीं बड़ा, कहीं कहीं स्मॉल साइज, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पायस कर देते हैं। ओके, अब इसमें ये इसी बिस्किट्स को मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ इसको क्रश करके, इसी तरीके से आपने हमने इसको इसमें कर दिया। ओके, अब जो बच्चे जैम्स खाते हैं एक्चुअली, अगर आपके पास ये सब ऑप्शनल है, आप चोको चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बच्चों के फ्लेवर वाली ये जैम्स ले ली हैं। अब मैं जैम्स को कहीं कहीं भी आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, कुछ भी रैंडमली आप डाल दीजिए, कोई डिजाइन की भी नीड नहीं है। कहीं येलो, कहीं पिंक, कहीं ग्रीन, क्योंकि थोड़ा बच्चों को अट्रैक्शन अच्छा लगता है, तो बस यही है। ओके, इस तरीके से कहीं कहीं हमने ये जैम्स, आपको चोको चिप्स पसंद है आप चोको चिप्स डाल सकते हैं, यहाँ पर आप चोको चिप्स कर दीजिए। इस तरीके से मेरा ये केक रेडी है, तो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा मेरा हाफ वनीला एंड हाफ चॉकलेट। तो प्लीज़ आप लोग जरूर ट्राई करेगा, और मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मेरा ये हाफ हाफ केक का कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।